हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल पीपीए स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास नाइन्थ का मैथ का मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर वन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो पी बाय क्यू के रूप में हो, पी बाय क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर जीरो नहीं हो। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वैसा संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसा भी संख्या हो जाता है जो रूट के अंडर, मतलब रूट में हो, वैसा संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट में होता है, रूट में कोई भी संख्या होता है इसका मान पूरा गोटा गोटी नहीं होता है, यानी कि पॉइंट के बाद को कुछ भी अंक आते रहता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है 3। तो 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं सो हम लोग देख लेते हैं। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, बराबर पी बाय क्यू, बराबर पी बाय क्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पी बाय क्यू के रूप में 3 है। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है 10√3 हो जाएगा। तो रूट थ्री का एक्चुअल मान पूरा पूरी गोटा गोटी मान नहीं आएगा, यानी पॉइंट में कुछ आएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी में भी दे दिया है पाई, तो पाई का मान भी होता है 3.14 पाई का मान होता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यह 3 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में दे दिया परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन में दे दिया पूर्ण संख्या, चौथा ऑप्शन में दे दिया अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन में दे दिया अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन में दे दिया विषम संख्या और चौथा ऑप्शन में दे दिया है परिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0 एक परिमेय संख्या, यानी 0 एक प्रकार के परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन में दे दिया पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन में दे दिया प्राकृत संख्या और तीसरा ऑप्शन में दे दिया अपरिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन में दे दिया वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछ रहा है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग को देखना है कि निम्न में से कौन सी संख्या होगा सो। तो हम लोग को पहले यह देख लेते हैं, जैसे आता है 1, 2, 3, 4, तो यह 3 और 4 के बीच में हम लोग को निकालना है कि यह 4 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा सो। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 10/3, तो हम लोग भागा देख के देखते हैं, तो यहाँ 3 * 9 हो जाएगा, 3 * 3, 3 * 9 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद कुछ अंक आएगा। तो हम लोग अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, सी में है 15/7 है, तो इसका भी हम लोग देखते हैं, 7 * 7, 7 * 7, 7 * 14 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसका भी आएगा 2 पॉइंट कुछ। और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 11/4 है,
चार दुनिया आठ, यानी इसका भी 2 पॉइंट पूछा गया। तो हम लोग को देखना था 3 और 4 के बीच में, देखना था 3 और 4 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी में जो 10/3 था, ऑप्शन नंबर बी में 10/3 था, तो यह 3.1 थ्री पॉइंट समथिंग कुछ था। तो यह 3 के बाद ही था और 4 का पहले भी था, और यह सब ऐसे 2 के बाद है। तो यह ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 तथा 4 के बीच 10/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 64×(x = 8) हो तो x = वाट दे दिया, यानी x का मान यहाँ निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं 64×(x) है, अब बराबर 8 है, तो 64 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इस 8×(x = 8) लिख सकते हैं। इसके बाद 8×(2 × x) हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2x = 8 हो जाएगा। 8×(1) लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग पहले हम लोग इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी का बेस जब सेम आएगा, दो संख्या का बेस सेम आ जाएगा और इक्वल में हो तो पावर भी इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x = 1 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो x का मान 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद, चर जो ए से यानी ए टू जेड की संख्या को हम लोग चर संख्या कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक चर वाला बहुपद निम्न में से कौन है सो। तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया x + 2, यहाँ इसमें दो चर है x और y। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 2, यहाँ x है यानी इसमें केवल x है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया x और y, और ऑप्शन नंबर डी में कोई चर है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में एक चर है केवल है, ऑप्शन नंबर बी में केवल एक चर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद का 2x + 6 का शून्य कौन है, बहुपद का 2x + 6 का शून्य कौन है। तो शून्य निकालने बोला है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 2x + 6 = 0 हम लोग लिख लेते हैं, शून्य निकालने बोला है। तो यहाँ 2x = हो जाएगा, प्लस में 6 है यहाँ पे, तो इधर आके माइनस में 6 हो जाएगा, और x = यहाँ लिख सकते हैं 6/2। तो हम लोग लिख लेते हैं x = आ जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, यानी x = -3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, बहुपद x^(-3x²-5)^5 तो यह घात पूछ रहा है, घात का मतलब होता है पावर, तो सबसे बड़ा पावर किस में है, तो x में, यानी कि सबसे बड़ा पावर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यदि px = (x-1) तो p 0 का मान है, यानी कि x के जगह पर 0 हम लोग को पुट करना है। तो x - p = (px = x-1) तो x के जगह पर 0 बैठा देंगे तो -1, यानी कि इसका भी -1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2x³ - 5x² - x+3 में x² का गुणांक है, तो इसका गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² यहाँ दिख रहा है, तो x के साथ क्या चीज गुना में आ है, तो -5x, तो x² का गुणांक -5 हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की पावर 31+1 को एक्स माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो हम लोग पी एक्स के बराबर पी एक्स का मान दे दिया है, तो हम लोग सिंपल सा फंडा लगाएंगे, एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिख देंगे, तो एक्स बराबर यहाँ 1 आ जाएगा। तो पी एक्स के जगह पर पी एक्स बराबर दे दिया एक्स की पावर 31+1 दे दिया है, तो एक्स के जगह पर 1 बैठा देंगे, एक्स के जगह पर 1 बैठा देंगे, तो एक्स के पावर 31+1 1 के पावर कितना भी करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, तो 1 प्लस और ये 1, तो 1+1=2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, द्विपद वाला बहुपद कौन सा है सो हम लोग को देखना है। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुपद पूछा है, दो बहुपद द्विपद वाला, द्विपद वाला बहुपद पूछा है, तो इसमें 3 पद है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x+14, इसमें 3 पद हो गया, इसमें 1 पद हो गया और इसमें भी 3 पद हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 पद हो गया, यानी 2 पद है इसमें, 5x² - 9x। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा x² - 9x+14 का गुणनखंड है, तो इसका पहले हम लोग को गुणनखंड निकाल लेते हैं, x² - 9x+14 और ये 9x है, तो 9 को इस प्रकार हम लोग को तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 14 आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, x² - 7x - 2x+14 लिख सकते हैं, प्लस 14 हम लोग लिख सकते हैं। अब 7x और -2x है, इसको जोड़ेंगे तो -9x आ जाएगा और 7 और 2 को गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो हम लोग को सही टूटा है। तो अब हम लोग देखते हैं ये दोनों से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकाले तो यहाँ बचा x-7 और ये दोनों से हम लोग को -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x-7 यहाँ पे बचेगा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं x-7 और x-2 और x-7 हम लोग लिख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा x-7 और x-2, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा बिंदु बी का निर्देशांक, तो हम लोग पहले आकृति को देख लेते हैं अच्छा से, तो आकृति में दे दिया बिंदु बी का निर्देशांक पूछा है, तो बिंदु बी यहाँ पे है, बिंदु बी यहाँ पे है, तो पहले कोई भी जब यह लिखना होगा निर्देशांक तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, तो एक्स अक्ष पर -5 पर है, तो -5 और वाई एक्स पर 2 हो जाएगा, तो इसका -5 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिंदु बी का निर्देशांक -5 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 हम लोग देख लेते हैं आकृति में, तो एक्स का मान -3 यहाँ पे है और -5 कहाँ पे है, तो -5 यहाँ पे, वाई और एक्स मिल गया तो यहाँ मिला ई, तो ऑप्शन बिंदु ई पर -3 और -5 का निर्देशांक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डी का भुज है, डी का भुज के बारे में हम लोग को पूछा है, डी का भुज है,
तो बिंदु डी जहाँ पे है तो इसका निर्देशांक हम लोग देखते हैं, तो एक्स के मान पर एक्स बराबर 6 है और वाई बराबर यहाँ 2 है, यानी कि बिंदु डी का निर्देशांक 6 और 2 हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा। तो भुज कहने का मतलब भुज पूछेगा तो एक्स का मान जो होगा वो हो जाएगा, और जब कोटि पूछेगा तो वाई वाई का मान जो हो जाएगा वो उसको कोटि बराबर लिख लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे भुज बराबर डी बराबर डी का निर्देशांक बराबर दे दिया भुज बराबर यहाँ 6, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है बिंदु एच की कोटि, ए बिंदु एच की कोटि पूछा है, तो कोटि यानी कि बिंदु एच जहाँ होगा वहाँ का वाई का मान हम लोग देखेंगे। बिंदु ये एच यहाँ पे है तो इसका वाई का मान -3 हो जाएगा, यानी कि कोटि बराबर -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 18 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बिंदु एम यहाँ पे है तो बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहाँ जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो एक्स का मान कुछ होगा परंतु वाई का मान 0 होगा हमेशा, अगर एक्स अक्ष पर होगा तब, और अगर वाई अक्ष पर होगा तो वाई का मान कुछ होगा, वाई का मान कुछ होगा लेकिन एक्स का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ एम बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक्स का मान -3 और 0, यानी कि एम का निर्देशांक -3 0 इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा -3 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो इसका जो कटान बिंदु है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तो यह सीधा सीधे हम लोग बोल सकते हैं मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आदि 20 रेखिक समीकरण 2x+3y बराबर के का एक हल है, तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 2 और 0 दे दिया है यहाँ पे, तो एक्स का मान एक्स और वाई का मान दे दिया है, एक्स बराबर 2 हो जाएगा और वाई बराबर 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 हो जाएगा और वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो यह जो समीकरण है इसमें एक्स और वाई का मान बैठा देंगे, तो एक्स बर ए टू एक्स के जगह पर 2 दे दिया है +3 × y के जगह पर 0 दे दिया है बराबर के दे दिया, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, +3 × 0 = 0 हो जाएगा बराबर के हो जाएगा, बराबर यहाँ पे के हो जाएगा, तो के का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा मानक रूप। दो चर वाले रेखिक समीकरण को का मानक रूप पूछ रहा है, तो यहाँ एक्स और वाई दो चर है, यहाँ पे एक्स ए बी सी के जगह पर कोई अंक होगा और एक्स और वाई यहाँ पे चर संख्या प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है, एक्स बराबर 5 दे दिया है और वाई बराबर 2 दे दिया है, तो इसका किस रेखिक समीकरण का हल है। तो हम लोग को यह ऑप्शन के अनुसार चलना, ऑप्शन ये में पहले चेक कर लेते हैं,
एक्स और वाई का मान बिठा के। तो एक्स बराबर यहाँ फाइव है प्लस टू वाई है, तो टू इंटू वाई की जगह पर टू बराबर यहाँ पे सेवन है, तो दो दूनी चार और पाँच यहाँ पे नौ हो जाएगा, नौ बराबर सात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं, फाइव एक्स प्लस टू वाई बराबर सेवन है, फाइव एक्स प्लस टू वाई बराबर सेवन है। तो इसमें एक्स के जगह पर फाइव और वाई वाई के जगह पर टू हम लोग को बैठा के देखना है। तो फाइव एक्स है तो एक्स के जगह पर फाइव बैठाएंगे तो पच्चीस हो जाएगा, प्लस टू वाई है वाई के जगह पर टू बैठाएंगे तो यहाँ फोर हो जाएगा बराबर सेवन। तो ये भी नहीं हो जाएगा, उनतीस बराबर सेवन हो जाएगा। तो ये भी सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं। सी में दे दिया है एक्स प्लस फाइव बराबर सेवन, तो एक्स के जगह पर फाइव प्लस वाई के जगह पर टू बराबर सेवन, यानी फाइव और टू को इक्वेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेवन बराबर सेवन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सात बराबर सात। तो इसका जो रेखीय समीकरण का हल होगा सो इसका यही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो हम लोग को मान बैठा के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये x के जगह पर 2 है और y के जगह पर 3 है, तो हम लोग को ये समीकरण में बैठा के देख लेना है। तो पहला ऑप्शन में देख लेते हैं, x के जगह पर 2 है तो 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो हम लोग को x के जगह पर 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना होता है, 9 4 13 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका नहीं हो जाएगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है 3 और 2, एक्स का मान 3 और वाई का मान 2 दे दिया है, तो यहाँ बैठा के देखेंगे 2 इंटू 3 करेंगे, एक्स के मान 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 है 3y है तो और वाई की जगह पर 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर वाई है बराबर 12 है, तो 6 प्लस 6 बराबर 12 हो जाएगा, यानी 12 बराबर 12 हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 2 जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका बराबर आ जाएगा। तो इसका रेखीय समीकरण जो यहाँ दे दिया है इसका एक हल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है यदि बिंदु 2, 3 बिंदु 2 और 3 एक्स प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सिंपल k का मान ज्ञात करना है, तो x के जगह पर 2 बैठा देंगे और y के जगह पर 3, तो 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ x का मान 2 दे दिया था और y के मान 3 दे दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है रेखित समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 4 और 0, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है 0 और 6, और ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है 3 और 0, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया है 0 और 2। तो यहाँ x अक्ष के किस बिंदु, यानी x अक्ष पूछा है, यानी कि x का मान तो कुछ होगा लेकिन y का मान हमेशा 0 हो जाएगा, y का मान हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये तो होबेन करेगा क्योंकि यहाँ x का मान 0 दे दिया, यहाँ पे भी x का मान 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अब सी और ए और सी में चेक करते हैं। तो ए का मान ये ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 4 और 0, x का मान 4 और y का मान 0, तो हम लोग यहाँ पुट करके देखते हैं। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा,
प्लस 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 12। तो ये भी बराबर इक्वेट नहीं आया। अब ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 4 इंटू एक से दे दिया, 4 इंटू एक्स की जगह पर 3 बैठाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई दे दिया तो वाई की जगह पर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 0 बराबर 12। यानी यहाँ इक्वेट आ गया, 12 बराबर 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा 60 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या है। तो पहले हम लोग को जान लेते हैं, दो कोणों का योग होता है सो उसको, जो 90 डिग्री का होता है वो पूरा कोण होता है। 90 डिग्री दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री, उसे पूरा कोण बोलते हैं। और दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण को बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पूरा कोण पूछा है, 60 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या होगा। तो पूरा कोण का मान बराबर 90 डिग्री है और यहाँ 60 डिग्री का मान पूछा, तो 60 इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है, तो यह अधिक कोण हो जाएगा। 90 डिग्री के कम होता है तो उसे न्यून कोण बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण होता है, अधिक कोण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस कोण का मान क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। तो हम लोग लेट मान लेते हैं ये एक प्रकार का कोण है, तो ये बोल रहा है उस कोण का मान क्या है जो अपने पूरक कोण से आधे हो। तो इसमें पूरक कोण ए हो जाएगा, मान लीजिए पूरक कोण ये हो जाएगा, तो इसका आधा बोला तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री अधिक हो, 30 डिग्री अधिक बोल रहा है यहाँ पे। तो ये प्लस ए बाय 2 प्लस 30 बराबर 90 होगा, 90 क्योंकि यहाँ पूरा कोण बोला है। तो अब हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं, ए प्लस ए बाय 2 प्लस 30 डिग्री यहाँ अधिक है बराबर 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूरा कोण पूछा है। तो ये 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस ए प्लस 60 बाई 2 बराबर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ देखें जोड़ देंगे, ये 2 है उधर ले जाएंगे तो इनटू में जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 2a प्लस ए प्लस 60 डिग्री बराबर यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। ये 2 है बटा में जो था उसको बराबर के उधर ले जाए तो यहाँ 3a प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद 3a बराबर लिख सकते हैं, ये जो 60 डिग्री है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो यहाँ पे घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 120 डिग्री, यानी ये का मान हो जाएगा यानी 3a बराबर 120 डिग्री और ये बराबर 4 3 12 यानी यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये का मान जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो तो कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं आकृति को, तो आकृति में दे दिया है कोण रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी ए और बी, ए और बी यहाँ पे है और सी डी, ए बी और सी डी है, सी डी यहाँ पे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है,
अधिक कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण ये कोण और ये कोण बराबर 70 डिग्री दे दिया है। तो पूछ रहा है कोण सी वो ई, कोण सी वो ये कोण बराबर यहाँ पूछ रहा है ये कोण और ये कोण का मान दे दिया है, जो इनटू में दे प्लस में जोड़ के दे दिया है, दोनों कोणों का मान जोड़ के दे दिया 70 डिग्री। तो ये कोण का मान निकालना है। तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि किसी भी रेखा पर कितना भी प्रकार का जो कोण, कितना भी प्रकार का कोण बनेगा जो, और इसको इक्वेट करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सब का मान पूरा पूरा का मान 180 डिग्री होगा। तो हम लोग का यहाँ पे पूछ रहा है कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दे दिया है। तो कोण सी वो ई का मान पूछ रहा है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई प्लस कोण कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों का मान कोण ए ओ सी प्लस कोण सी कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दे दिया है। 70 डिग्री प्लस कोण सी ओ ई, सी ओ ई जिसका मान निकालना है बराबर 180 डिग्री दे दिया है। तो कोण सी ओ ई को इधर ही रखेंगे और जो 70 डिग्री है उधर ले जाएंगे, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 110, यानी कि 110 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति में ए बी, ए बी लंबवत सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे पूछा है, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, किसी भी रेखा पर जब कोण बनता है तो जितना कोण रहता है यहाँ पे बनता है सब का योग बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दे दिया है 50 डिग्री एक कोण का मान दे दिया, ये ए बी और ए बी एक रेखा है तो, और 50 एक कोण है, तो इसका इधर का मान हो जाएगा 130 डिग्री, इसका 130 डिग्री हो जाएगा और इधर 50 है, तब हो जाएगा दोनों दोनों कोणों का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ये कोण का मान हो जाएगा 130। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी और डी रेखा है, इसमें 130 डिग्री इसका मान दे दिया है, तो वाई का मान भी यहाँ पे 130 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा 130 डिग्री। हम लोग देख लेते हैं ये कोण का मान जब दे देता है, यहाँ पे मान लीजिए ये 10 10 डिग्री दे दिया, तो ये कोण का मान भी हो जाएगा 10 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। तो वाई का मान यहाँ पे 130 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स का मान भी यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से 130 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग का एक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो एक्स बराबर यहाँ पे दे दिया है, ये निकला 130 डिग्री और वाई का मान भी 130 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 260 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 260 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने प्रकार हो, कितने समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो हम लोग एक बात याद रखेंगे कि त्रिभुज में अधिकतम से अधिकतम एक त्रिभुज हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देख लेते हैं एक त्रिभुज का मान, मान लीजिए 90 डिग्री, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, तो
तो इसका इसका मान भी हो जाएगा अगर 90 डिग्री, तो दो कोणों का मान तो हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री, तो ये एक कोण जो बचेगा तो कितना होगा, इसीलिए हो जाएगा। हमेशा हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में अधिकतम से अधिकतम एक समकोण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो सर्वांगसम कौन होगा, कौन नियम से होगा, सो हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिए ये त्रिभुज बन गया, इसको ये मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, तो इसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। तो इसको अब यहाँ ए बी बराबर क्यू आर दे दिया, ए बी यहाँ ए बी है तो यहाँ क्यू आर हो जाएगा, और बी सी बराबर दे दिया पी आर तो यहाँ पी हो जाएगा, और सी ए बराबर दे दिया है पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू दे दिया है। तो आप पूछ रहे सर्वांगसम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब भी हो जाएगा कोई एक कोण इधर से मिलेगा तो कोई यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसमें इसमें ऐसे शुरू होगा तो इसमें ऐसे शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों कोणों तीनों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी मान लेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। सर्वांग समता की कसौटी होता है एस साइड एंगल साइड, साइड 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 एंगल साइड एंगल हो सकता है, और या RHS हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, एस ये नियम सर्वांग समता का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो, तथा एक भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, तो किस प्रकार सर्वांगसम होते हैं। दो कोण पूछ रहा है, दो कोण बराबर हो और ये जो कोण होता है, ये जो कोण बन रहा है से एक भुजा पर बन रहा है, तो इसका त्रिभुज इस प्रकार होगा। जब दो कोण बराबर हो, दो कोणों का युग्म बराबर हो, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये जो भुजा है इस पर ये दोनों कोण बन रहा है, तो ये कोण से नियम से सर्वांगसम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, यानी ये एस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, हम लोग यह जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो कौन सा नियम से हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तो 60-60-60 नियम से यह सर्वांगसम हो जाएगा, भुजा नियम से इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आकृति में त्रिभुज बी वो सी तथा त्रिभुज ए वो डी सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। तो हम लोग को देख लेते हैं, ये त्रिभुज बी वो सी, त्रिभुज बी वो सी और त्रिभुज ए वो डी दोनों इक्वेटर, दोनों बराबर है, तो यह सीधा सीधी हम लोग को यह RHS नियम से यह सर्वांगसम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार सेट वन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन
सॉल्व होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।